गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, आप वीडियो देखते हो? क्योंकि जब मैं डाउट सेशन लेती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते। तो वीडियो बेटा देखनी है, तभी आप समझ पाओगे। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो बेटा कोई वो नहीं है। वीडियो जरूर देखो, और फिर जो भी आपको डाउट हो तो आपके डाउट सेशन चलते ही हैं। तो अब वी हैव डन चैप्टर टू, नाउ वी विल डू चैप्टर थ्री। एंड चैप्टर थ्री इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू मीन फाइबर। अब जो हम कपड़े पहनते हैं दैट आर मेड अप ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक से ही बने होते हैं ना, कि कोई कॉटन का होता है, कोई वूल होता है, कोई भी फैब्रिक होता है। और इसके बाद जो फैब्रिक है दे आर मेड अप ऑफ फाइबर, यानी कि किसी धागे से बने होते हैं। तो अब हम फैब्रिक और फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। आपने बेटा सिक्स और सेवन्थ स्टैंडर्ड में फाइबर्स और फाइबर फैब्रिक के बारे में पढ़ा है। फाइबर मैंने आपको बता दी कि क्या होते हैं। अब फाइबर जो कि आपने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये देखो आपके क्या हैं। एक तो यही नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर पढ़ा था ना आपने। अब नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स में आपने पढ़ा था कॉटन, जूट। तो ये आपने बेटा सिक्स स्टैंडर्ड में कॉटन और जूट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था कि हाउ कॉटन्स आर ऑब्टेन्स, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, सब आपने पढ़ लिया था। ये जस्ट मैं आपको रिकैपिटुलेशन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और जो एनिमल्स से हमें फाइबर मिलते हैं वो हमारे हैं सिल्क और वुल। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। ये आपने पढ़ा था कि चाइना में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर हुआ था और उन्होंने काफी टाइम इसको सीक्रेट रखा। बाद में धीरे धीरे जो सिल्क रूट से फिर इसका मतलब सिल्क के बारे में पता लगा, ठीक है। और फाइव टाइप्स की सिल्क है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बनाई जाती है। मूंगा, टसर, कई तरह की सिल्क है। अब इसके बाद है आपका वुल। वुल भी आपको पता है, वुल आर ऑब्टेन फ्रॉम शीप। और इसमें आपने पढ़ा था याक, कैमल, इन सब से भी वुल ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो सिल्क और वुल इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। ये आपने नेचुरल फाइबर्स के बारे में सिक्स्थ और सेवन्थ में डिटेल में पढ़ लिया था। नाउ इन एट स्टैंडर्ड वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर के बारे में मैंने बताया ना, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं दे आर मैन मेड फाइबर, और इनमें हम मेनली केमिकल यूज करते हैं। और केमिकल जो यूज है आपने पता है कि केमिकल्स कौन सा यूज होता है, पेट्रोकेमिकल। ये भी मैंने आपको सेवन्थ में बताया था कि पेट्रोकेमिकल हम यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर को बनाने में। और दूसरा दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। ये सब आपको पता है ना बेटा, मैनमेड फाइबर्स होते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, मेनली पेट्रोकेमिकल होता है, और दूसरा दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। अब इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये है सब आपके टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर इनिशियली कैसे प्रिपेयर होते हैं। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स वो एक स्मॉल यूनिट से बनते हैं, दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर। मोनोमर एक स्मॉल यूनिट होती है, और इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। बेटा दोनों डेफिनेशन नोट करो, इंपॉर्टेंट है। आपने अगर प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा है, प्रोटीन आर वेरी नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। अब प्रोटीन भी क्या होता है, दे प्रोटीन भी एक तरह से पॉलीमर्स है, और वो कैसे बनता है, बाय रिपीटिंग यूनिट ऑफ अमीनो एसिड। जब थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ज्वाइन करके प्रोटीन। तो इसी तरह सिंथेटिक फाइबर्स में मोनोमर यूनिट होती है, वो ज्वाइन करती है एक सिंथेटिक फाइबर को बनाने में। चलो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा आपने ये पेज नंबर 33 एनसीईआरटी का देखो, इसमें आपके दिया हुआ है बॉक्स में, पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो। कैसे, जो कॉटन है, कॉटन भी आपका क्या है, वैसे तो आप कहते हो कि कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यही बोलते हो ना। लेकिन जो कॉटन है इट इज आल्सो पॉलीमर यूनिट ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की ये पॉलीमर यूनिट है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा है मेनली टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर में मेनली मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से होते हैं, रियोन,
पॉलिस्टर, ठीक है, नाइलोन, ये सब आपके हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉलिस्टर, सॉरी रियोन। तो रियोन क्या होता है आपका? हैव यू कभी आपने नाम सुना है? कभी अगर आपकी मम्मा को कहते सुना बेटा रियोन की शर्ट है या रियोन की साड़ी है, सूट है, तो रियोन की मेनली हम ड्रेसेस पहनते हैं। तो रियोन हमारा क्या होता है? रियोन इज अ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, इसको हम मेनली क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। और ये भी किससे ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल अक्रिंग सेलुलोज। सेलुलोज से हम ऑब्टेन होता है, और ये एक तरह से हम इसको वुड पल्प भी कहते हैं, क्योंकि सेलुलोज, सेल वॉल इन प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो वुड पल्प जो होता है, वुड पल्प से हमारा रेयन जो है सिंथेसाइज होता है, या रेयन जो है हमारा ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब रेयन जो है एक नेचुरल भी हम इसको मान सकते हैं और सिंथेटिक भी, लेकिन मेनली हम इसको सिंथेटिक मानते हैं। सिंथेटिक हम इसको क्यों मानते हैं? भले ही ये वुड पल्प या सेलुलोज से ऑब्टेन होता है, बट ये फैक्ट्रीज में केमिकल यूज करने के बाद ही हम इसको प्रिपेयर कर पाते हैं। दैट इज वाई रेयन इज कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। और इसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ हद तक सिल्क से मिलती है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क अगर हम एज ए होल देखें बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और उसको केयर करना भी बहुत मुश्किल है। और दूसरा, जैसे सिल्क में हम कई बार सिल्क की साड़ी वगैरह रख देते हैं ना, तो उसमें किड़ाई लग जाती है, और किड़ाई लगने से उसमें छोटे छोटे पोर्स या आप कह सकते हो होल्स हो जाते हैं। तो सिल्क को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, और सिल्क जो है एक्सपेंसिव भी है। लेकिन रेयन या आर्टिफिशियल बिल्कुल दिखने में सिल्क जैसा लगता है, इसको ये मतलब मेंटेन करना भी आसान है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता। तो हम सबसे पहले रेयन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रेयन जो है मतलब ड्रेप वेल, इसको क्रीज वगैरह बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। इट इज गुड एब्जॉर्बेंट, पसीना वगैरह जो बड़े आराम से सोख लेता है, सिल्क इतना नहीं वो कर पाता, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इट इज अ गुड एब्जॉर्बेंट। और दूसरा, इट डज नॉट श्रिंक। सिल्क क्या है, हमें एक बार यूज करने के बाद या तो ड्रेकनिंग करवाना पड़ता है और उसकी आयरनिंग भी अब प्रॉपर करनी पड़ती है, लेकिन रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क इसकी हमें आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि श्रिंक नहीं होता, चाहे आप इसे बड़े आराम से घर में धो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इट कैन बी डाइड इंटू वेरियस कलर, वेरियस कलर्स में हम इनको डाई कर सकते हैं, तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो कितनी सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है। और इसके अलावा इट इज कूल टू वियर, अगर हम इसको पहनते हैं तो बहुत हमें कूल अपीयरेंस होती है। इट इज कूल टू वियर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात वो तो मैंने बताई दी कि इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसको मेंटेन करना भी आसान है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी मतलब आर्टिफिशियल सिल्क है, और ये रेयन जो है सिल्क का एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यूजेज ऑफ रेयन। पहले ही पता है कि हम इससे ड्रेसेस बना सकते हैं, सूट बना सकते हैं, मतलब क्लोथ के मेकिंग में हम कर सकते हैं यूज। सबसे पहला यूज तो यही है। दूसरा, कारपेट और बेडशीट बहुत शाइनी अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि बहुत शाइनी होता है, शाइनी इसमें ज्यादा होती है, तो हम कारपेट्स या बेडशीट भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बैंडेड के बनाने में भी ये यूज होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा है नायलोन। नायलोन इज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। अब देखो रेयन है, रेयन भी हमारा सिंथेटिक है, लेकिन क्योंकि वो सेलुलोज या वुड पल्प से ऑब्टेन होता है, तो हम उसको फुली सिंथेटिक नहीं कह सकते, बट नायलोन इज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो और इसके बाद ये जो है किससे प्रोड्यूस होता है? कोल, एयर, वाटर एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स। और इसकी क्वालिटी, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से हम रोप, जैसे ये माउंटेन पे चढ़ने के लिए माउंटेनियर जो होते हैं, मेली बैंडे ये आपकी जो रोप्स लेके जाते हैं, इट इज मेड अप ऑफ नायलॉन, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से टूटता नहीं, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, इट इज शाइनी एंड इलास्टिक, मतलब एक तरह से खींचो तो ये थोड़ा सा इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, खींच जाता है, ठीक है। इट इज इजी टू वॉश,
बहुत जल्दी हम इसको वॉश कर लेते हैं और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। अगर हम इसको वॉश करें तो बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है। तीसरा, इट इज लाइट वेट। मैंने बताया ना कि माउंटेनियर्स लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, दूसरा ये लाइट वेट होता है, तो इसलिए बड़े आराम से हम इसको कैरी कर सकते हैं। और अगेन रियोन की तरह इट कैन बी डाइड इंटू वेरियस कलर। जैसे रियोन को हम वेरियस कलर्स में डोर कर सकते थे, इसको भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया इट ड्राइड वेरी क्विकली, इट एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड ड्राइड वेरी क्विकली, ठीक है। और इसके बाद इट इज रिंकल फ्री। अगर हम इसको धोते हैं या हम कैसे भी इसको रफली यूज करते हैं तो इसमें रिंकल्स नहीं आते, और रिंकल्स ना आने की वजह से हमें इसको आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसको अगर विदाउट प्रेस किए भी पहन लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये अगर हम इसको टच करके देखें तो सॉफ्ट भी होता है, स्मूथ भी। इट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। और इसके बाद इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिल्क है, सिल्क पे मौत या कई बार फंगस लग जाती है और उसमें छोटे छोटे होल्स कर देती है, लेकिन इसमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौत जो है इस पर अट्रैक्ट हो ही नहीं पाती और ना ही इस पर रिएक्ट कर पाती, तो इसमें पोर्स वगैरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेयन को हम बड़े आराम से, कॉटन है, कॉटन में भी हो जाती है मौत या आपके कोई और कीड़ाई, लेकिन रेयन में ऐसी कोई नायलॉन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद अब इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा, क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन ये इक्वली मतलब डिस्कवर हुआ था, दैट इज वाई इसको मिला के हम कहते हैं नायलॉन, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, अगेन टू मेक ड्रेसेस, जैसे आपकी वीस्ट है या और भी कपड़े बनाने के लिए सॉक्स हैं उसको बनाने के लिए हम नायलॉन का यूज करते हैं। स्विम वियर जो होते हैं, जो स्विमिंग के लिए हम कपड़े पहनते हैं, वो मेनली नायलॉन के बने होते हैं। इसके अलावा इससे हम कर्टेन और बेडशीट ये भी बना सकते हैं, वो भी नायलॉन की बनी होती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रोप, पैराशूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन मेकिंग रोप, पैराशूट, टूथब्रशिस, इन सब के उसमें ये यूज़ होता है। तो नायलॉन, और बेटा एक चीज़ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, हम किसी भी फाइबर का एक थ्रेड लेते हैं, ये आपके उसमें एक्टिविटी भी दी है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐसे थ्रेड लिया, उस थ्रेड पे हम वेट वो कर देते हैं, हैंग कर देते हैं, तो जितना वेट वो वियर कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल 1 kg, 2 kg, अगर उसने 1 kg वेट को बियर कर लिया और वो नहीं टूटा, वो थ्रेड नहीं टूटा, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। जाहिर सी बात है अगर 1 kg वेट को बियर कर लेती है तो मीन्स उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, और अगर 2 kg, 3 kg इनको बियर कर लेती है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जिसकी जितनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो फाइबर उतना ही स्ट्रोंग होगा। तो नायलॉन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए नायलॉन को हम स्ट्रोंगेस्ट मानते हैं, इट इज़ स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिस्टर। इसके नाम पे ध्यान दो, पॉलिस्टर, कुछ पता लग रहा है, ये जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर, ठीक है बच्चों, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर। चलो बेटा ये डायग्राम देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे पैराशूट है, माउंटेनियर्स हैं, ये नायलॉन को मेनली लेके जाते हैं ताकि, क्योंकि इट इज वेरी वेरी स्ट्रोंगेस्ट, इट इज वेरी वेरी स्ट्रोंग फाइबर, तो इसलिए हम उसमें इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आपका क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर। पॉलिस्टर मीन्स कि ईस्टर जो है वो इसमें रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक है, तो ईस्टर का ये एक तरह से पॉलीमर है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक बात सुनी होगी PET, आपकी NCERT में देखो ये मैंने ये मार्क भी किए हुए हैं, तो आप भी इनको अंडरलाइन करना, PET यानी पॉलीइथाइलिन टेट्रा पैथलेटिक, ठीक है। ये आपकी PET की बॉटल्स होती हैं और वो मेनली यूज होती हैं किसके लिए, स्टोरेज के लिए, जैसे राइस है, शुगर है या कोई पल्सिस हैं उनको स्टोर करने के लिए मेनली PET यूज करते हैं। तो एक तरह से ये बहुत ड्यूरेबल होता है, ठीक है, यूटेंसिल की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक बात बेटा देखो, ये आपकी Activity 3.1, ये Activity 3.1 क्या है, इसमें मेनली मैंने आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया था ना,
तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में मैंने यही देखो, इन्होंने एक कोई लटकाया, मतलब ये फाइबर है, फाइबर के साथ इन्होंने वे लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है, जिससे पता लगता है कि किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, और जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है वो फाइबर इतना ही स्ट्रोंग है, मतलब कितना वेट वो बियर कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। और नायलॉन की आपकी एक्टिविटी में ये देखो 3.2 में ऑब्जर्वेशन टेबल दी हुई है, कॉटन की कम है, वुल की उससे ज्यादा है, सिल्क की तो और उससे ज्यादा, और नायलॉन की सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, इसके बाद हम पॉलिस्टर कर रहे थे, पॉलिस्टर में मैंने पीईटी आपको बता दिया। ठीक है, और इसमें टेरिलिन, ये मैंने बेटा अंडरलाइन भी किया हुआ देखो ब्लू कलर से, टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलिन जो है बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है, तो इसको भी हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में देखो, हम स्वेटर यूज करते हैं, शॉल यूज करते हैं, ब्लैंकेट यूज करते हैं, किस चीज की बनी होती है? आप कहोगे वुल, लेकिन अगेन वुल इज वेरी एक्सपेंसिव, और जितनी वुल हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी वुल हमें मिलती भी नहीं है, वुल बहुत ज्यादा चाहिए होती है और उतनी वुल हमें मिलती भी नहीं है। तो आर्टिफिशियल वुल, आर्टिफिशियल वुल हमारी क्या होती है? एक्राइलिक, नोट कर लो बेटा ये, एक्राइलिक, एक्राइलिक जो होती है इट इज आर्टिफिशियल वुल, और ये भी आपका क्या है? अनदर सिंथेटिक फाइबर, इसके वही अगेन इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इट इज इजी टू वॉश, और इस पे मॉथ वगैरह भी नहीं लगती, और इट डज नॉट श्रिंक। तो यही सब आपके मेनली एक्राइलिक के। ठीक है, समझ आया बच्चों? अब देखो ये बॉक्स देखो, इसमें आप लिखा हुआ है पोलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड इस्टर, ये मैंने आपको बता दिया, पोलिस्टर मीन्स रिपीटिंग यूनिट ऑफ इस्टर। ये बेटा सब चीजें नोट करना और इनको बेटा लर्न करना, आपके जो गूगल फॉर्म टेस्ट होते हैं इनमें मेनली यही चीजें आती हैं, फिर आप कहते हैं मैम ने करवाया नहीं। इस्टर आर केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, मतलब इस्टर एक ऐसा केमिकल है जो फ्रूट्स को उसकी स्मेल देता है। फाइबर्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीवुल, पोटेरिकोट, ये सब हमारे क्या है? मेनली मतलब सिंथेटिक जो फाइबर है, रिपीटिंग यूनिट से हम तैयार करते हैं और इसके बाद हमारा फाइबर्स तैयार होता है। इसके बाद मैंने आर्टिफिशियल सिल्क बता दिया, आर्टिफिशियल सिल्क का क्या होता है कि मेनली जो सिंथेटिक फाइबर है, ये एक तरह से सिंथेटिक फाइबर है जो कि हमारे बहुत यूजफुल है हमारे लिए, और सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से मेनली हम इन्हें यूज करते हैं? कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी, तो सिंथेटिक फाइबर की जो मेन क्वालिटी होती है, अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रेफर्ड ओवर नेचुरल फाइबर, या व्हाई सिंथेटिक फाइबर इज मोर सुटेबल फॉर यूज ओवर नेचुरल फाइबर, मतलब इस तरह से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं अगर हमने एक क्वेश्चन करवाया। बेटा वर्डिंग अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो, वर्डिंग सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉर्मली स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर, पहली बात तो क्या है कि जो हमारी सिंथेटिक फाइबर होते हैं भले ही में हम केमिकल यूज करते हैं, एक्रेलिक में भी हम मेनली केमिकल यूज करते हैं, वो एक तरह से आर्टिफिशियल वुल होता है उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? केमिकल। ठीक है, और ये क्या होता है? इट इज स्ट्रोंगर, तो नॉर्मली नेचुरल फाइबर्स आर नॉट सो स्ट्रोंगर, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं दे आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर। ठीक है, दे आर रिंकल फ्री, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फाइबर है उनको बहुत जल्दी धोने के बाद रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो हमें इनको आयरन करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे ये सिंथेटिक फाइबर हैं ये रिंकल फ्री होते हैं, उनमें हमें आयरन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, इनको हम ज्यादा वाटर मतलब ये ऑब्जर्व नहीं करते और इसलिए ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, दे ड्राई क्विकली, और दे आर रेजिस्टेंस टू मॉथ, मैंने बताया था ना इनमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता, तो इसमें पोर्स भी नहीं होते, इजी टू स्टोर, बहुत आराम से ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और इनको धोना भी आसान होता है, बड़ा रफली हम इनको धो सकते हैं, सिंथेटिक जो नेचुरल फाइबर है इनको तो धोते हुए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन ये बड़े आराम से धुल जाते हैं। ठीक है, और इनका कलर भी मेनली फेड
नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं दे आर मच बेटर देन सिंथेटिक फाइबर। हालांकि इनकी कुछ प्रॉब्लम भी है, इनकी कोई ना कोई दिक्कत भी है, जैसे इट इज एडवाइजेबल नॉट टू वियर सिंथेटिक फाइबर वाइल वर्किंग इन लेबोरेटरी और किचन। सिंथेटिक फाइबर को हम किचन में यूज नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं और आग पकड़ने के बाद ये जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर है, अगर वो आग पकड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं जैसे आग जलने के बाद, लेकिन क्या होते हैं ये मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने के बाद जिस पर्सन ने उसको पहन रखा है उसकी बॉडी से स्टिक कर जाते हैं और स्टिक करने की वजह से उनको बर्निंग ज़्यादा होती है। तो इस वजह से किचन में या लेबोरेटरी में हमें इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं और बहुत जल्दी मेल्ट होकर बॉडी से चिपक जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही। अब आपको मेनली क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक के बारे में हम इसके यूजफुल इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे और हार्मफुल इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो आज इतना ही, वीडियो जरूर देखना है क्योंकि प्लास्टिक में इसके कई क्वेश्चन आएंगे और डाउट सेशन में मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, टेक केयर।